हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो मैं शाम को आई हूँ फ्रेंड्स पौधों को लगाने के लिए। जो मैंने बीज डाले थे अब वो पौधे बन गए हैं, मतलब पौधे तैयार हो गए हैं। अगर मैं इसको सही समय पे नहीं लगाऊंगी तो ये ग्रोथ नहीं पकड़ेगा। तो बस मैंने सोचा कि कुछ पौधे मैं लगा ही देती हूँ। तो देखिए, ये मेरा शिमला मिर्च है, तो काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, मतलब लगाने के लिए तैयार है। बिल्कुल सही समय है, समय भी सही है और पौधे का साइज़ भी सही है। अगर पौधे बड़े हो जाएंगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होता है लगने में। तो आज मैंने सोचा थोड़े बहुत पौधे लगा ही दिए जाए। बहुत सारे मेरे पास शिमला मिर्च के पौधे तैयार हो गए हैं। तो ये मेरे छोटे छोटे ग्रो बैग्स हैं, तो कुछ पौधे मैं इसी में लगाऊँगी। तो इस तरह से देखिए, दो दो पौधे मैं लगाऊँगी। अगर एक ख़राब भी हो जाए तो एक सर्वाइव करेगा। तो अगर आपको भी शिमला मिर्च लगाना है तो आप बीज के द्वारा तैयार कर सकते हैं पौध, लेकिन समय लगता है फ्रेंड्स। कम से कम 3 हफ्ते बाद आपकी पौध तैयार होगी। इससे अच्छा है अगर आपको एक दो पौधे लगाने हैं तो आप ले आइए नर्सरी जाके, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो देखिए, इस तरह से मैंने लगा दिए हैं दो दो पौधे। और ये बहुत बड़े ग्रो बैग में लगाने की इसको ज़रूरत नहीं है, आप छोटे ग्रो बैग्स में भी लगा सकते हो। तो मैंने छोटे छोटे ग्रो बैग्स में ही लगाए हैं। जो मेरे पास इस समय तैयार है, मतलब पॉट रेडी है, मैं उसी में लगा दे रही हूँ। और ये मेरा ब्रोकोली है, देखिए ब्रोकोली की भी पौध मेरी तैयार हो गई है, बहुत अच्छे से तैयार हो गई है फ्रेंड्स। तो ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। इसको मैं एक एक पौध लगाऊंगी, ये दो दो नहीं लगाए जाते हैं, एक एक ही लगाइए। अगर आप बड़े ग्रो बैग्स में लगा रहे हैं तो कम से कम 10-10, 12-12 इंच की दूरी पे आप लगाएं। इस तरह से देखिए एक एक पौधा मैंने लगा दिया है। और जानते हैं फ्रेंड्स, और मैं इसको अपने जाली के अंदर ही रखने वाली हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ जो चिड़िया हैं वो सब काट देती है। आप अभी शाम को लगा रहे हैं, सुबह आपको एक भी नहीं मिलेगा। और कुछ शिमला मिर्च मैंने सोचा इस चुकंदर वाले ट्रे में मैं लगा देती हूँ बीच बीच में, मतलब जिसको होना होगा हो जाएगा इसमें। मतलब अभी फ़िलहाल तो मैंने लगा दिया है, अगर कोई जानवर इसको ना नुकसान पहुंचाए तो। अभी तो मैं शाम को लगा रही हूँ, कल सुबह मुझे पता चलेगा मेरे शिमला मिर्च सही सलामत है कि नहीं। तो इस तरह से आप भी लगा सकते हैं मेरे फ्रेंड्स शिमला मिर्च। देखिए इस तरह से मैंने लगा दिए है दो दो पौध। आज शाम को मैंने यही सब किया है, थोड़े बहुत मैंने पौध लगाई है। और अभी मेरे टमाटर के पौध भी तैयार है, और गोभी की, मतलब पत्ता गोभी की पौध तैयार है फ्रेंड्स। ट्रे भी मेरी बाहर तैयार है, बट मेरे पास नेट नहीं है, बिना नेट के मैं नहीं लगा सकती हूँ, और मुझे नेट मंगाने हैं। और ये देखिए, जो मैंने प्याज लगाया था उसी से कितना बढ़िया स्प्रिंग अनियन रेडी है, इसको भी मैं हार्वेस्ट करूँगी। और जानते हैं, एक बार आप हार्वेस्ट कर लेंगे ना तो दोबारा इसमें पत्तियाँ आ जाती हैं, कई बार आप यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, अभी बैगन वगैरह की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है फ्रेंड्स। देखिए, जैसा कि देख सकते हैं बेर में कितने ढेर सारे बेर भी लग गए हैं। और ये अभी पकेगा ना, जनवरी फरवरी में बेर पकेगा, मुझे खाने को मिलेगा। और ये देखिए, जो लहसुन मैंने लगाया था कितना बढ़िया उग गया है। इसी में ढेर सारे टमाटर के पौध भी अपने आप से निकल आए हैं, सबको मैं लगाऊंगी। और अपराजिता के भी बीज गिर गए हैं, तो उसमें ढेर सारे पौधे निकल आए हैं। देखिए टमाटर के अपने आप से कितने निकल गए हैं। और ये जो बैंगन का पौधा देख रहे हैं, ये भी अपने आप से ही निकला हुआ है। गुलाब के फ्लावर कितने सुंदर लग रहे हैं फ्रेंड्स। इस समय कटिंग वगैरह कर सकते हैं, और अच्छे से खाद वगैरह दीजिए तो खूब अच्छे से गुलाब में फ्लावरिंग होगी। और बुगनवेलिया तो फिर मतलब क्या नहीं क्या, बहुत ही सुंदर लग रहा है, गुच्छों गुच्छों में खिला हुआ है। ये देखिए, बुगनवेलिया का फ्लावर ज़रूर लगाइए, गार्डन में बहुत ही अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स, आज बस मैंने यही थोड़ा बहुत काम किया है। और ये जो मेरा बड़ा ट्रे था उसकी मिट्टी मैंने सब बाहर निकलवा दी है, ये देखिए, क्योंकि ये 1 साल से मिट्टी बाहर नहीं निकली थी। तो बस फ्रेंड्स, आज यही सब किया है। कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें।